प्रद्युम्न हत्या मामले में जेजे बोर्ड ने दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए तमाम पहलुओं पर विचार किया और 16 वर्षीय आरोपी युवक की जमानत याचिका रद्द कर दी। इससे पहले 2 बजे इस मामले में सुनवाई होनी शुरू हुई थी, जो कि काफी लंबी चली। सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील एवं सीबीआई के एक वकील के बीच जमानत याचिका पर बहस करते हुए माहौल कुछ ज्यादा ही गर्मा गया। वहीं दूसरी याचिका में, यानी जिसमें आरोपी युवक को बालिग या नाबालिग के तौर पर केस चलाने की गुहार लगाई गई थी, उसको आज खोला गया और सारी पार्टीज को उसको देखने और उस पर आर्गुमेंट्स करने का मौका दिया गया। और सारे पार्टीज ने, डिफेंस काउंसिल ने, प्रोसिक्यूशन ने और कंप्लेनेंट काउंसिल ने अपनी बातें उन आधारों पर, उन साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल बेस पर किया। और उन आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ये फैसला सुरक्षित आज किया है कि वो एडल्ट ट्रीट होंगे या जुवेनाइल ही रहेंगे। ये फैसला 20 तारीख को सुबह 10:30 बजे बोर्ड अनाउंस करेगी। कोर्ट ने सारे आर्ग्यूमेंट्स को आज सुना और ये फैसला सुरक्षित किया है। जहाँ तक रिपोर्ट्स की बात है, वो रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल इन नेचर हैं। उन रिपोर्ट्स को एक गोपनीयता के दृष्टिकोण से सारे स्टेक होल्डर्स को और काउंसिल्स को दिखाया गया है, तो उस रिपोर्ट के जो कंटेंट्स हैं उसको मैं डाइवल्ज करना उचित नहीं मानूंगा और वो रिपोर्ट्स मैं उनके कंटेंट्स को डाइवल्ज नहीं करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन सारे कंटेंट्स को आधार बनाया जाएगा जब बोर्ड अपना फैसला सुनाएगी 20 तारीख को।